आगे जब हम इस लाइन में चलते हैं तो ये उद खलीजी आ जाते हैं। उद खलीजी ये मोहम्मद बलहौल मोहम्मद बल्लो खुएल परफ्यूम्स, बहुत बड़ी दुकान है। इस साइड पे आप देखेंगे तो अल तौबा परफ्यूम्स हैं, फिर अट्रैक्टिव परफ्यूम्स हैं। आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा परफ्यूम्स की दुकानें दिखेंगी आपको। अर्द अल तीब है, ये उद खलीजी की नई दुकान है माशाल्लाह। मिस्टिकल उद, मजेस्टिक उद, मिस्टिकल उद, किंग ज्वेली, डेजर्ट उद, ऐसे ही है डिफरेंट चीज़ें। आप ये दुकान है जेसी, ये भी परफ्यूम्स की दुकान है। मेकअप की दुकान है ये मोटिवो। हामिल अल मस्क, ये भी मस्क की दुकान है। ये इन्होंने बॉडी मस्क वगैरह बनाए हुए हैं, लोशंस हैं, बॉडी मस्क हैं, बॉडी पे लगाने के लिए। इस साइड पे आप देखेंगे तो अल मेदहन है, बापत तौफीक है, अल तौफीक है, ये सब परफ्यूम्स की दुकान है। स्विस अरेबियन आपको नज़र आ जाएगी इस साइड पे। तो इस एरिया में अगर आप आ जाएं तो आपके पास अगर 1,00,000 दिरहम भी हो तो ख़त्म हो जाएगा वो नाइफ गेट। इधर से मैंने भी ओरिजिनल दहन आलूद वगैरह ख़रीदा हुआ है, अच्छी क्वालिटी है इनकी। सुरती की एक और दुकान आ गई आपके लिए। हामी वाले हैं, इंडियन ग्रुप है, इंडिया की बनी हुई चीज़ें, मस्क सिल्क वगैरह के काफ़ी कम्बिनेशन हैं इनके पास। मस्क सिल्क है बहुत सारे। अल गफ्फारी, अल आवारी, इधर से भी मैंने ओरिजिनल दहन आलूद और उद कम्बोडी लिया हुआ है। अपने इब्तदाई दिनों में लिया था और काफ़ी थुक लगवाया था, दा लगवाया था पूरा। मतलब नए बंदे को नहीं पता होता कि कितनी की चीज़ मिलती है। फिर हरमैन का एक और शोरूम आ गया, अल ज़ाफ़रान पैलेस है। सो कहने का मकसद है कि आप वो माई परफ्यूम्स का जो मेन शोरूम है, फिर नसीम परफ्यूम्स हैं, फिर हालिस परफ्यूम्स हैं, फिर उद का लकास है, फिर कला नाइफ है, अल हरमैन का एक और शोरूम है। तो अब बस ये अरेबियन उद की जो मेन ब्रांच है, अरेबियन उद आ गया, जुनेद परफ्यूम्स आ गया। मकसद ये है कहने का कि इतनी वैरायटी है कि आपके पास लाखों हज़ारों करोड़ों रुपए भी होंगे तो सब के सब लग सकते हैं इस शौक में। ये शौक महंगा शौक है, इतना आसान नहीं है परफ्यूमों का शौक को पानी देना।